ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक। लड़ाई हो जाएगी, नहीं बता सकते। यही तो इस पॉडकास्ट का मकसद है। ये कहना है तो फौजिया आप बिल्कुल नहीं मानती और अच्छा। इस चीज को दो दो तीन तीन घंटे ले जाती है कि नहीं मैं ऐसे ही गाऊंगी। मेरे गुस्से में सबका बीपी हाई हो जाता है और फौजिया को बात मनवाने में हम सबका बीपी लो हो जाता है। खालाओं वाली आदत किसमें? ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मुझे बाद आपकी खाला आपसे रिश्ता जो है वो खत्म करने वाली है। जिन्होंने गायकी के मैदान में अपना नाम कमाया और पाकिस्तान में जितने भी हमारे मारूफ जो भी सिंगर्स हैं उनके साथ काम किया, फिर बैन अल-अक़वामी सतह पर बहुत से कॉन्सर्ट का हिस्सा रही। मनुआ सिस्टर्स, हाउ आर यू? आप तीनों बहने कैसी हैं? कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे एक तो आपके नाम नहीं पता इसलिए मैं मनवर सिस्टर्स कहूंगा और या फिर मैं बस तीनों का कह दूंगा, ठीक है? क्योंकि एक तो नाम आपके बहुत मुश्किल थे, मैंने काफी कोशिश की याद करने की लेकिन क्योंकि मेरा हाफजा बहुत कमजोर है। नहीं, इतने मुश्किल नहीं है, आपको मैं याद करवा देती हूँ। अच्छा, ओके, मेरा नाम सबा। अच्छा, आपका नाम सबा? सबा, फौजिया और हुमा। हुमा, सबा, फौजिया, हुमा। ओके, मैं इंटरव्यू के एंड तक मुझे याद हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन में क्या एक्टिविटीज हैं तो आप लोगों की, तीनों बहनों की, और किस तरह जो है आप अपना वक्त गुजार रही हैं? ओके, हम लोग आजकल लाइव जैमिंग बहुत ज्यादा हमारी हो रही है तीनों की, उसमें थोड़ा वक्त गुजार रही हैं। उसके अलावा आपको पता है कि थोड़ा कुकिंग में खाना पीना चलता रहता है और नमाज पढ़ ली। अच्छा, मुझे ये बताएं, कि तीनों बहनों में कुकिंग कौन अच्छी करता है? कुकिंग फौजिया अच्छी करता है। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। ओके, तो क्या खाने में अच्छा क्या बना लेती हैं? मैं तकरीबन सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ, बहुत अच्छी कुकिंग, सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, सही सही। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हम इस पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज जो है वो आप तीनों बहनों की खूबसूरत आवाज से करें, तो अगर आप प्लीज हमें कुछ गुना कर अपना जो कलाम है वो सुनाती ताकि हम बाकायदा फिर आगाज करें इसका। मार गई उड़ीक, मैनु दे गया उड़ीक, मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी। हंस मुक गए हंजुआ थले सयो, मैनू लग गए रो गए बल्ले से, मेरा दिल ते बस न चले की करा। मार गई उड़ीक, मैनू दे गया तरीक, मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आस ते जीना मैंने जहर हिजर दा पीना, इक अनहोनी आस ते जीना मैंने जहर हिजर दा पीना, जे मैं जान दी वलशल तेरे तैनू कर दी प्यार कदीना, तैनू कर दी प्यार कदीना, मर चलिया मैं तक दी सुनिया रा प्यार दिया। मार गई उड़ीक, मैनू दे गया तरीक, मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात दी। थैंक यू। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, आप तीनों बहनों का जो रिदम है वो भी एक साथ बहुत ज्यादा जैमिंग में बहुत कमाल का एक स्पार्क हो जाता है। मुझे ये बताइएगा कि आपने जो आपकी गुलुकारी है इसका आगाज कैसे किया? इसका आगाज इस तरह
क्रिसमस हुआ था कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अच्छा नाथपानी से। मैंने नाथ पढ़ी थी पीटीवी पर, उसके बाद वहां से ऑफर आई कि आप एक गाना भी गाएं, तो मैंने बताया कि मेरी और सिस्टर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा तो फिर सर ने, तो वहां पर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि चलिए उनको भी आप लेके आए, आप तीनों एक गाना रिकॉर्ड करवाएं और फिर उसको हमारे पीटीवी के प्रोग्राम के अंदर आप परफॉर्म करें, चांद रात का शो था वो। फिर हम अच्छा तीनों ने एक गाना रिकॉर्ड करवाया। फैसलाबाद से हैं बेसिकली हम लोग, वहां से हम लोग लाहौर आई, गाना रिकॉर्ड करवाया और फिर परफॉर्म किया और लोगों को अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद बार बार आना और बहुत डिफिकल्ट हो गया, 2 साल का गैप आया। लेकिन जब हमें ये पता चला कि लोग अभी तक इन 2 सालों में कोई काम नहीं किया, फिर भी लोग बुलाई जा रहे हैं, लोगों को अच्छा अच्छा लगा वो हमारा एक ही परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया टू शिफ्ट इन लाहौर। सो वी शिफ्टेड इन लाहौर एंड वी डिसाइड, लाहौर में पूरी फैमिली के साथ हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमें मौका मिला हो, ये बहुत अच्छा शहर है, वेलकम करता है दूसरे शहर से आने वाले लोगों को। आप सुन रहे हैं हमें? जी इतनी खामोशी होती है एकदम। नहीं नहीं आपकी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप तीनों बहनों का जो ये एक्सपेरिमेंट था इसको लोगों ने किस तरह सराहा या फिर इसको किस तरह देखा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो सिंगर्स होता है या फिर आप तीनों बहनें ही एक ही मैदान में आ गई और फिर गायकी के हवाले से, तो फिर लोगों का इस हवाले से क्या फीडबैक था, लोगों ने इसको किस तरह देखा इस एक्सपेरिमेंट को? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। असल में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि तीनों इकट्ठा करें, ये चीज कभी डिसाइड नहीं होती। अच्छा मतलब बाय चांस हम तीनों का ये जो है चांद रात शो था पीटीवी का, बिल्कुल उसमें हम तीनों ने परफॉर्म किया। अब हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो लोगों को इतना अच्छा लगेगा, बिकॉज सही। 3 बहनें बहुत अरसा के बाद इस तरह से इकट्ठे एक अच्छा मतलब एक ग्रुप की उस एक सूरत में। फीडबैक के बाद आप लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हमें तीनों को इकट्ठे ही गाना चाहिए। बिल्कुल, फीडबैक के बाद हमें फिर हमने कहा करना हाँ, चाहिए लेकिन लोग, उससे पहले ये है कि कभी भी सोचा नहीं था, लेकिन आपस में तीनों का चलता ही रहता था, मतलब वो तो घर में स्कूल जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कभी में कभी करते ऐसी रहते बात। थे हम लोग, हाँ 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 ये अच्छा मुझे चलता ये बताएं कि तीनों बहनों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा गाता है? कंपटीशन तो होता होगा लेकिन ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई तो जीतता होगा, कोई ना कोई एक जिसकी आवाज ज्यादा बेहतर है, तो वो कौन सी बहन है? वैसे तो तीनों का अपना अपना है स्टाइल और तीनों को लगता है कि हम अच्छा गाती हैं, नहीं लेकिन किसी एक की लेकिन अगर बात की जाए कि जो लीड मतलब सिंगर मैं थी या बुनियादी तौर पर कैसे, आप तीनों में लड़ाई करवाना चाह रहा हूं, तो मुझे किसी एक का नाम चाहिए। नहीं लड़ाई नहीं होती है। वैसे ये क्वेश्चन का आंसर हमने अपने हर शो पे हर इंटरव्यू में ही हाँ दिया है, बिल्कुल सो इस क्वेश्चन पे कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि वी बिल्कुल आर रियली एग्जैक्टली ऑनेस्ट गर्ल्स। सो जो सच है वो हम बताती हैं। हम तीनों में से अगर, वैसे तो अभी सब नॉर्मली और इक्वली जा रही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बताना होता है सबसे अच्छा कौन गाता है, तो हमसे जरा जरा बेहतर जो है वो सबा गा लेती है, अच्छा सब सबा तो बेहतर गा हम लेता कोशिश है। करती हैं कि मिलके इसके साथ साथ ही अच्छा अच्छा गाएं। तो सही लेकिन सही जो है कि अगर कहते हैं कि ज्यादा अच्छा कौन गा सकती है, तो वो फिर सबा यहाँ पे लेकिन से। अब मुझे बिल्कुल मुझे लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है आवाजों में, थोड़ा सुर और ये बिल्कुल चीजें, कोई क्लासिकल लेकिन अच्छा हर गाता इंसान है में, तो जॉनराज डिफरेंट हर डिफरेंट इंसान का होते एक हैं। अपना होता है, वो हर इंसान किसी अपने अपने तरीके से कैरी करता है हर चीज को। सो वी ऑल वी थ्री कैन सिंग आई थिंक बिल्कुल, अच्छा और मैं उनकी अब जगह भी बहुत। जो आप बात पूछना चाह रहे हैं ना कि लीड सिंगर या लीड वोकलिस्ट, वो ऑब्वियसली सबा ही है। हाँ सही। अच्छा मैं अब चंद सवाल जी करूंगा और आप में से जी जो आपको लगेगा कि आपकी तीनों में से जो उसके जो है वो उसके हवाले से उसके किरदार जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर वाजिब आता है, तो वो आप बताइएगा तीनों बहनों में से कि वो कौन है। मुझे बताएं सबसे ज्यादा सोता कौन है, जिसे बहुत ज्यादा नींद प्यारी है। सबसे ज्यादा सोती है मेरा अच्छा तो सोने की टाइम ही सबसे थोड़ी ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? अच्छा ये शॉपिंग बहुत ज्यादा मेरे होती है। माँ वैसे बहुत मैंने तो सुना ज्यादा, है यार सब लड़की बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हैं, तो आप क्या बहुत सभी एक्स्ट्रा बहुत एक्स्ट्रा कर ज्यादा लेती करते हैं? हैं।
ये कुछ एक्स्ट्रा करती है ऐसी शॉपिंग के जो दिल धड़का दे हमारा, और नहीं चाहिए होती अभी, नहीं चाहिए। आप ऐसे ये भी करती करेंगे कि मेरी बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज, मेरे शूज, मेरे क्लॉथ, जो कि दो दो तीन तीन साल से अभी अनटच ऐसे पड़े पड़े हुए हुए हैं, हैं। अभी मैंने उनको खोला ही नहीं है, अभी यूज ही नहीं किया, वो एज इट इज पड़े हुए हैं अभी। अच्छा मुझे ये लेकिन बताएं, मैं और नई शॉपिंग कर रही हूँ, वो भी पड़े हुए हैं चीजें सारी, तो मैं नया खरीद लेती हूँ। सही, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में से सबसे ज्यादा मूवीज कौन देखता है, जिसे मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है तीनों में से? अच्छा कोई भी नहीं तीनों मूवीज कभी ही से देख, देखते, इंटरेस्ट भी नहीं और है टाइम भी और नहीं टाइम भी नहीं होता। होता हाँ, अच्छा जो तीनों में से ट्रैवलिंग का शौक किसे टाइम। है, ट्रैवलिंग का, आउटिंग बहुत का? ज्यादा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा आपकी फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन कौन सी है फोजिया? ऑब्वियसली हमारा जो इंटरनेशनल टूर था वो हमारी फेवरेट, हमारा एक ट्रेवल रहा था। सो हम यूके गई थी लास्ट ईयर, सो अच्छा हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत काम भी किया, और वो हमारा थोड़ा एक मेमोरेबल टूर रहा अच्छा मुझे ये बताएं कि जब वहां पर। आप एब्रॉड जाते हैं तो वहां की ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है वो क्या पाकिस्तान के लोगों से मुख्तलिफ होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, तो टोटली उसमें, डिफरेंट होता है। इनफैक्ट अच्छा के उसमें क्या तब्दीली होती है, असल क्या में मुनफरिद वो होता उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो रियल रिस्पॉन्स होता है आर्टिस्ट के लिए। है? अच्छा बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स। अच्छा मुझे बताए पाकिस्तान के कौन से शहर का क्राउड जो है वो आपको बहुत पसंद है, वो बहुत शेयर करता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, शायद इस्लामाबाद हमारा की तरफ, इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, मे बी रियली? दूसरे आर्टिस्ट का, दूसरे अदर सिटीज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, लेकिन अभी सही तक सही, हमने जहां जहां परफॉर्म किया तो इस्लामाबाद की ऑडियंस ने बहुत 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 ज्यादा अच्छा है, वो ह्यूज रिस्पॉन्स अच्छा। दिया। ऐसा ये नहीं कि हम आपकी वजह से कह रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा ये इस्लामाबाद से है, बिकॉज वी डोंट नो कि आप मैं दिल में इस्लामाबाद। बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। इस्लामाबाद कमाल है, इस्लामाबाद की ऑडियंस ऑसम। नहीं, इस्लामाबाद में, ऑल्दो के हमारे यहाँ कराची या लाहौर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, लेकिन इस्लामाबाद वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वहाँ की जो ऑडियंस है वो वाकई इंजॉय करती है एक-एक बीट को। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की ऑडियंस एंजॉय करती है, क्रिटिसाइज कम करती है। अगर बात बिल्कुल, करें ना लाहौर, फैसलाबाद, कराची, तो ये लोग अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन साथ साथ क्रिटिसाइज भी करते हैं। अच्छा मैं सो अगर इस्लामाबाद के पूछूं, लोग जो है वो एंजॉय करते अच्छा मैं अगर पूछूं कि सबसे वर्स्ट क्राउड किस शहर का है पाकिस्तान में, जहां बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा हो हैं। क्राउड का? फैसलाबाद फैसलाबाद, यार, वो तो होम टाउन है आपका। बहुत ज्यादा बहुत समझदार है, वो समझदार सुरीले क्राउड, समझते हैं, तो वहां पर जाना मुश्किल इसके। आपको पता है कि वो सुरीले लोगों का शहर है, और उस्ताद वहां नुसरत फतेह अली खान बिल्कुल साहब नहीं वहां से थे। करेंगे, क्योंकि वो लोग मजा नहीं आ रहा, तो हाँ वो नहीं साफ देखेंगे हो कि गए। उन्होंने टिकट लिया हुआ है और वो वेट करेंगे, कोई बात नहीं, वो कॉन्सर्ट एंजॉय कर लेने। नो, अगर उनको मजा नहीं आ रहा, आर्टिस्ट अच्छा नहीं है, वो उठ के चले जाएंगे। उसमें उस शहर में परफॉर्म करना मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन हमें इतना नहीं लगता, क्योंकि एक तो इसकी वजह ये है कि हम खुद फैसलाबाद से हैं, हमारे अंदर वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है, वी अच्छा, बिलोंग फैसलाबाद, हम अपना शहर और है, हमें टैकल पता होता है कि हमें किस तरह टैकल करना है उस करना तरह की है। ऑडियंस एग्जैक्टली वरना यकीन करें कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो अक्सर उनके इंटरव्यूज हम सुनते हैं, वो कहते हैं कि यार फैसलाबाद जाके परफॉर्म करते हुए ना घबराते हैं हम। सुनने अच्छा में आया है कि कुछ लोग आ गए चले, हम अपने परफॉर्मेंस से सेगमेंट की पहले जाने गए। वापस जाते हैं। मुझे ये बताएं कि तीनों बहनों में से सबसे ज्यादा सेल्फीज कौन लेती है? हाँ, अच्छा ये भी नहीं लेती। मैं अच्छा, और सबसे ज्यादा फिल्टर्स कौन यूज करता है? सबसे ज्यादा फिल्टर्स 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 होते हैं स्नैपचैट। आई थिंक फिल्टर्स, मैं बिल्कुल फिल्टर्स नहीं यूज करती। मुझे ये होता है कि जो ओरिजिनल ओरिजिनल है है। पिक्चर में, मैं वही मोस्टली पोस्ट कर रही होती हूँ। चले, अब हमारे अगले राउंड की तरफ चलते हैं। मैं तीनों बहनों से एक एक करके, हमारा रैपिड फायर राउंड होता है, तो मैं चंद चीजों या लोगों के नाम लूंगा रैंडमली, जो भी आपके जहन में पहला ख्याल आएगा वो आपने बता देना है। तो हम अब जो है ओके, वो, अच्छा मुझे अब नाम दोबारा प्लीज आप दोबारा बता देंगी। सबा, फोजिया और हुमा, हुमा। अच्छा हुमा मुझे ये बताएं, आप किस, आपसे स्टार्ट करते हैं हुमा। महविश मलिक ओके, महविश मलिक कौन है? महविश टिकटॉक पे स्टार है। मलिक तो आई डोंट नो हर, शी हाँ चलिए इसको छोड़ दे। अल्ताफ इज हुसैन, रियली अल्ताफ हुसैन के बारे में, फनीस्ट पर्सन, फनीस्ट पर्सन? यार मुझे लगता है आप कभी कराची यस, नहीं गए, मुझे लगता है आप उनकी कभी कराची नहीं पर्सनालिटी गए। बहुत फनी चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू के बाद आप कराची नहीं जाएंगे। अच्छा है। मुझे ये बताएं, स्नैपचैट के बारे में पहला ख्याल क्या था?
स्नैपचैट के बारे में, आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आप नहीं भी खूबसूरत तो आप स्नैपचैट में ब्यूटीफुल आपकी लुक आती है, खूबसूरत, फैसलाबादी, टैलेंटेड, इमरान खान, हार्ड वर्किंग पर्सन, मोमिना मुस्तहसिन, ये जल्दी 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 करना है, मोमिना वाइज लेडी, ओके। अच्छा फौजिया, अब हम आपकी तरफ आते हैं जी, sure. नवाज शरीफ, लीडर थे, लीडर थे, मतलब आपने निकाल दिया उन्हें यार, वो भी जिंदा है, वापस आ सकते हैं, लीडर थे बस। अच्छा आतिफ असलम, ग्रेट सिंगर, लाहौरी है, लाहौरी है, कमाल लोग, मीरा जी, मीरा जी कैरेक्टर, ओके, मरियम नवाज, एज ब्लॉक है, एज ब्लॉक है, ये आप उनकी खूबसूरती को देख के कह रही हैं या कुछ और फैक्टर है इसमें? यस आई लाइक हर। हाँ चलिए अब आपकी तरफ आते हैं जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, सबा, सबा, अच्छा बिलावल भुट्टो सरदारी, ब्यूटीफुल नॉट हैंडसम, आप मेरे जवाबों की जरा देर से समझ आएगी मुझे, अगले मुझे लगता है अगले इंटरव्यू तक समझ आ जाएगी। अच्छा मुझे ये बता, इस्लामाबादी है, इनोसेंट, इनोसेंट किस लिहाज से, मतलब मैंने तो कभी वहां कोई इतना मासूम बंदा नहीं देखा, दे डोंट क्रिटिसाइज, दे डोंट जज, दे डोंट नोटिस, दे जस्ट एंजॉय। ओके अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि जो है जरदारी साहब उनके बारे में जहन में पहला ख्याल क्या आता है, जल्दी जल्दी, सिंधी, 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 मतीरा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज बीइंग एज एन एक्ट्रेस इन पाकिस्तान, शी शुड बी लिमिटेड। चल ओके, आखिरी आखिरी जो है वो रैपिड फायर का क्वेश्चन आपके लिए, आपका जो ख्याल है सियासत के बारे में, जो पहला ख्याल आता है सियासत लफ्ज़ सुनने के बारे में, सियासत के बारे में क्या मतलब ख्याल आता है, मतलब सियासत, सियासत के बारे में पहला ख्याल क्या आता है जब लफ्ज़ सियासत सुनती हैं तो पहली चीज जहन में क्या आती है? प्लानिंग, प्लानिंग, ओके। चलिए हमारा ये रैपिड फायर राउंड बहुत खत्म हो गया और मेरे ख्याल से आप तीनों बहनों ने ही बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट किया और इंटरेस्टिंग से जवाब दिए। मुझे ये बताएं कि आप तीनों बहनें अगर तो सिंगर ना होती तो क्या होती, मतलब वो कौन सा ऐसा प्रोफेशन होता जिसमें आप लोग जाते हैं? एक्ट्रेस, आप एक्ट्रेस, और फौजिया आप मॉडल, और आप मॉडल एंड डांसर, मॉडल एंड डांसर, अच्छा नहीं मतलब आप डांस भी कर लेती हैं? करनी लगती लेकिन अच्छा लगता है बहुत, थोड़ा सा मूव करना, एंजॉय करना, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने आखिरी झूठ कब बोला था, आखिरी दफा झूठ कब बोला आपने? हाँ मैंने आज ही बोला था। और फौजी आपने? एक्चुअली घर में कुछ काम करना था तो आई वाज रियली टायर्ड, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं नींद में भी थी और मैंने कहा इस वक्त मैं कैसे अपनी सिस्टर से कहूँ कि मैं इस ये काम नहीं करूंगी, मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्रॉपर एक झूठ था, मैं बिल्कुल ठीक थी। यार ये झूठ जायज होता है, ये झूठ जायज होता है, ये मतलब चलता रहता है तो नॉर्मल है। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है कि आखिरी दफा फ्लर्ट कब किया था आपने इस लड़के से? फ्लर्ट मैं तो आजकल डेली कर रही हूँ क्योंकि मैं टिकटॉक वीडियोस बना रही हूँ अपने टिकटॉक पार्टनर के साथ, तो समझ लें कि डेली फ्लर्ट करती। अच्छा आप, आपका तो डेली चल रहा है, तो फन लेती हूँ लेकिन मजा आता है। यस ओके, तो बाकी आप दोनों में से फ्लर्ट थोड़ा बहुत तो चलते रहता है लाइफ में,
खुद ब खुद ही हो जाता है, हाँ ठीक करने है। की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ तो फौजिया आप मुझे लगता है नहीं करती, ऑफेंड है मुझे लगता है आप तो लड़कों से, आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। हाँ सही बात है, मतलब मैं फ्लर्ट का मेरे दिमाग में नहीं आता किसी के साथ फ्लर्ट किया जाए तो। हाँ, आपको फरिश्ता होना चाहिए यार, आपके तो पर होने चाहिए मतलब। बिल्कुल मैं हूँ। अच्छा, आपका मैंने एक सराइकी गाना सुना, और क्योंकि मुझे सराइकी जुबान से ज़ाती तौर पर बड़ा लगाव हुआ है, ऑल्दो कि मुझे समझ नहीं आती, तो मैं चाहता हूँ अगर आप प्लीज कोई सराइकी गाना गुनगुना कर सुना दें। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ अच्छा गा लेते हैं, हमें काफी अच्छा इसका फीडबैक मिला है। सराइकी, पंजाबी, फोक। अच्छा आपने कौन किस सा सॉन्ग सुना सॉन्ग की था? बात कर रहे हैं आप? यार, मुझे लगता है वो मेरे ख्याल से चिट्टा चोला या इस किस्म का कुछ सॉन्ग था। ओके हाँ इसका ओके फीडबैक बड़ा अच्छा मिल जाता है जब भी। लेट्स स्टार्ट दिस। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं बुनेदा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। ओ नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला किनारी कच्ची निकली है ढोले दियारी। चिट्टा चोला मेलाई किनारी कच्ची निकली है ढोले दियारी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भूले रा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला यमारो रोंदे आई आई ढोले दशहरों। चिट्टा चोला आया बारो रोंदे आई आए ढोले दशहरों। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीधे दर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। मुझे ना पहले तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो दीगर बहनें हैं उनकी एक एक बुरी आदत बताएं मुझे। बाद हमारी लड़ाई हो जाएगी, नहीं बता सकते। यही तो इस पॉडकास्ट का मकसद है, आपकी लड़ाई करवानी है हमने, मैं तो शुरू में बता दिया था। चलें फिर बड़ी तरह स्टार्ट करते हैं। अगर अभी लड़ाई होगी तो क्या होगा? यार मैं एंजॉय करूंगा। और हमारा क्या होगा फिर? ये आप पे डिपेंड लेट्स करता स्टार्ट। है, आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा हमारे प्रोग्राम के बाद। अगर फौजिया हम दोनों की बताएगी, मैं इन दोनों की बताऊंगी, सबा इन दोनों की बता देगी, ठीक है? हाँ, ऐसे ही करते हैं, हाँ ऐसे ही करते हैं। चलो फौजिया आपसे स्टार्ट करते हैं, प्लीज आप बताइए दोनों बहनों की एक एक बुरी आदत। ठीक हो गया, चले आप बताए। अच्छा सबा की बुरी आदत, बहुत ज्यादा तैयारी में है हम लोग बुरी आदतें सुनने के लिए। इसकी बुरी आदत ये है कि एक ही बात को 1000 मरतबा करती है। अच्छा ये चीज मुझे थोड़ा इरिटेट करती है, एक एक बात बात खत्म नहीं को करती। एक ही बात को 1000 मरतबा। चाहे अच्छा यार, दो अभी नहीं हजार लड़ना, देखो अभी नहीं लड़ना प्लीज, अभी नहीं लड़ना प्लीज प्लीज, इस प्रोग्राम के बाद। और हुमा की आदत बुरी ये है कि ये काम चोर बहुत है, घर का कोई काम बिल्कुल कंफर्म लड़ाई है जो है ना ये फौजिया हाथ आपकी, इसके बाद कंफर्म लड़ाई है। अच्छा नहीं। हम आप बताएं बाहर दोनों बहनों की, निकलना मैं बताऊं, फौजिया यार सच्ची सच्ची की बताना बुरी है। आदत, फौजिया की बुरी आदत ये है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सो हम कह रहे होते हैं कि इसको यहाँ से इस तरह कहना है, इसको ऊंचा कहना है, इसको इस स्केल पे कहना है, तो फौजिया बिल्कुल नहीं मानती और इस चीज अच्छा को दो दो तीन तीन घंटे ले जाती है कि नहीं मैं ऐसे ही अस्तफा। गाऊंगी, जैसे मेरा दिल कर रहा है मैं वैसे ही गाऊंगी। तो हम कहते हैं कि यार हम इसको थोड़ा मॉडल करके गा रही हैं, थोड़ा चेंज करके गा रही हैं, चेंज कर लो जैसे हम कह रही हैं वैसे कर लेते हैं। तो इसका हमेशा होता है कि नो, जैसे मैंने कह दिया मैंने वैसे ही गाना है मूडी चाहे कुछ सिंगर हो जाए। नॉट मूडी सिंगर हाँ है। एंड सभा की बुरी बात या बुरी आदत ये है कि सोचना पड़ता
सोच रही कौन से बताओ कौन से ना बताओ ये भी ठीक है यार, ये भी ठीक है। ये है कि मतलब शायद हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो उसको किसी दूसरे अंग से या किसी दूसरे पहलू से ले लेती है, तो जिस तरह से हमने कही होती है वो उस पहलू से देखती नहीं है, किसी और पहलू से देख लेती है, तो ये हो सकती है। चलिए, तो बड़ी खतरनाक आदत बताई आपने। अब आपने भी इसी तरह की अब आपने भी इसी तरह की खतरनाक आदतें बतानी है, छोड़ना नहीं है आपने इन्हें। मेरी बारी जी जी, आपकी बारी। हुमा की बुरी आदत, हुमा को गुस्सा जल्दी आता है। अच्छा, हाइपर हो जाती है जल्दी। तो कभी ओजिया की, तो हुमा ने कभी कोई चीज मारी है आपको लड़ाई में गुस्से में आके? नहीं ऐसा नहीं, बोलती ही मतलब इस अंदाज में है कि वो लगता है कि चीखे मारी है। मतलब बोलती ऐसे हूँ कि जो आसपास लोग होते हैं उनका बीपी हाई हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। असल में इसका कुदरत बीपी हाई होता ही है, ये सबका भी करती है। ओजिया की जो बुरी आदत है वो ये है कि किसी भी, बेशक वो ये बड़ी है हमारी दोनों की, हम दोनों से बड़ी है, लेकिन बात मानने के लिए, इसको बात मनवाने के लिए हमें काफी टाइम लगता है, तो ये हमारा बीपी लो हो जाता है। अच्छा, आपका बीपी लो हो जाता है। मेरे मुसलमान लोगों का बीपी हाई हो जाता है और फौजिया को बात मनवाने में हम सबका बीपी लो हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, अब मैं इसके बाद उम्मीद करूंगा कि आप तीनों बहनें पुरजोर तरीके से लड़ेंगी और मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूं और अभी इजाजत चाहता हूं। ठीक है, आपने अच्छी आदत तो पूछ ली हमारी। चलें, आप इसरार कर रही हैं तो पूछ ले, मैं चाह रहा था आप लड़े, अब अच्छी आदतें पूछ लूंगा तो फिर वो वाइप आउट हो जाएगा ना, वो फिर वो जो मैंने इतनी मेहनत करके आपको निकलवाया वो सब। चलें, एक एक अच्छी आप एक एक अच्छी आदत बता दें तीनों। हुमा, आपसे स्टार्ट करते हैं जी। एक एक फौजिया की अच्छी आदत ये है कि वेरी काम कूल और चीजों को बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस नहीं लेती, और हमें भी कहती है कि आप कूल रहें, कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लें, तो ये इसकी बहुत अच्छी आदत है। मैं डर गई, मैंने कहा क्या कहने लगी चीजों को तोड़ नहीं 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 बहुत बहुत अच्छी आदत है कि ये स्ट्रेस नहीं लेती, बहुत ज्यादा परेशान बहुत ज्यादा सही सही, ये बहुत अच्छी आदत है। सभा की अच्छी आदत, बाकी अच्छी आदत ये है कि काम को बहुत ज्यादा सीरियस लेती है, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाती, और अगर काम का टाइम हो जाए तो उस पूरी दुनिया को भूल जाती है कि दुनिया एक तरफ काम है, तो उसको हमने प्रॉपर तरीके से करना है, बस ये इसकी ऑब्वियसली बहुत अच्छी आदत। चलिए फौजिया, अब आपकी बारी आ गई है। हुमा की अच्छी आदत ये है कि हेल्पिंग है, मतलब दूसरों की हेल्प करती रहती है, तो ये इसकी अच्छी सही। और सबा की अच्छी आदत ये है कि घर में या आपस में हमारी बहस या थोड़ी बहुत नोक झोंक लड़ाई चल रही हो तो ये जरा फैसला कर देती है और थोड़ा सबको कूल कर सेटल डाउन कर देती है। जज का किरदार अदा करती है घर की लड़ाइयों में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, सॉरी सॉरी मैं एक और क्वेश्चन आ गया। अच्छा, आप तीनों बहनों में से आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, मेरी अच्छी आदत तो सुन ले। नहीं, मैं अच्छा, चलिए आप बता दें। हाँ मेरी तो सुन लो ना। अच्छा, हुमा की पहले बता देते हैं। तुम्हारी हुमा की अच्छी आदत ये है कि ये चीजों को या बातों को पकड़ के नहीं बैठती, ये कहती है कि बस छोड़ दो बात, लेट इट गो, आगे बढ़ो, अगली बात करते हैं, ये इसकी अच्छी आदत। और फौजिया की वही काम, नहीं और भी हो सकती है। या मुझे लगता है आपकी कोई अच्छी आदत है ही नहीं, मतलब दोनों बहनों को बहुत सोचना पड़ रहा है। नहीं मैं बता देती हूँ, आप इस इंटरव्यू के बाद इन्हें खुद बताइएगा कि इनकी आपकी कौन सी अच्छी आदत है। मेरी तो फिर बेशुमार अच्छी आदत है। अच्छा, हम लोगों को जब कहीं जाना होता है बहुत जल्दी में हो और खाया पीना कुछ ना हो तो फौजिया हमारे लिए सर्व करती है, और वाकई में बहुत अच्छा सर्व करती है। मैं यही कहने लगी थी, इनफैक्ट गाड़ी में हो, किसी कॉन्सर्ट के लिए निकल रहे हो, रस्ते में भी ये प्रोवाइड कर देती है, चाहे रस्ते से लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें भूखा नहीं रहने देती। वेरी गुड पॉइंट।
अच्छा यार, वो जो मेरा मकसद था ना लड़ाई वाला, वो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो मैं चाहता हूँ एक और सवाल किया जाए, एक और सवाल किया जाए जिससे स्पार्क हो। हमारी लड़ाई हो, हमारी बड़ी लॉजिकल लड़ाई होती है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि लॉजिकल बात। अच्छा मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं कि तीनों में से फुफ्फो जैसी आदतें किस बहन की है। हाँ फुफ्फो, हाँ फुफ्फो जैसी यार। हमारा एक हम चाहते हैं कि हमारे अंदर फुफ्फो वाली आदत आ जाए, क्योंकि हमारे फुफ्फो जो है बहुत नाइस है, हमें बहुत अप्रिशिएट करती है, बहुत प्यार करती है। हाँ यार, आपकी फुफ्फो से मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज से पहले किसी को अपनी फुफ्फो की तारीफ करते नहीं सुना। नहीं नहीं सीरियसली, हमारी फुफ्फो जो है ना वो उस टाइप की नहीं है कि वो जो हर शादी पे। मेरे ख्याल हमें ये उल्टा करना चाहिए कि खालाओं वाली आदत किसमें है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं, खाला वाली आदत। खाला जो है ना वो हम ये मकूला चेंज कर, आज के बाद मनमा सिस्टर ये मकूला चेंज कर देंगे, खाला वाली अलग किस्म है। अब मेरा लोगों से भी अगला सवाल यही होगा कि यार आपकी जो आदतें हैं वो खाला से किसकी मिलती हैं। तो मुझे बताएं, अच्छा तीनों बहनों में से खाला इसकी आदतें किसकी हैं? नहीं किसी से ना, अल्लाह ना करे मिले। खाला यार, खाला कितनी बुरी है खाला आपकी। देखिए इस इंटरव्यू के बाद आपका खाला से रिश्ता खत्म होने वाला है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैंने कहा इस इंटरव्यू के बाद आपकी खाला आपसे रिश्ता जो है वो खत्म करने वाली है। पहली खत्म है अल्हम्दुलिल्लाह यार। अच्छा अब आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो रही है, ये मतलब खाला से बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, इसको शॉर्ट करते हैं, वो सब एक मजाक था, सभी बहुत अच्छे हैं, सबकी अपनी। वो कैमरा लगा है, हाथ भी हिला दें, हम मजाक कर रहे थे, खाला बहुत अच्छी है, खाला तो फरिश्ता है, खाला जैसे तो कोई इंसान ही नहीं है, मैं तो बचपन से चाहती थी खाला बस ऐसी बन जाऊं। एग्जैक्टली। चलिए यार बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको। हाँ हाँ, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, बहुत ओपन होकर बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन थी आप तीनों बहनों की। अच्छा तो मैं दोबारा पूछिएगा। मैंने कहा आप तीनों बहनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन थी पूरे इंटरव्यू में, और बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत ओपन आंसर दिया आप लोगों ने, हमें भी बहुत मजा आया, आपके क्वेश्चंस बहुत फनी थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। ओके, मैं भी इजाजत चाहूंगा आपसे और हमारे जो देखने वाले हैं आगे, तो आपको ये प्रोग्राम पसंद, ओके खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अगर तो आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जरूर इंशाल्लाह।